जो जितना पीछे है, कतार में पीछे है, मतलब आर्थिक रूप से पीछे है, सामाजिक रूप से पीछे है, ये हर जगह से वंचित समाज है। यदि आपको भाईचारा कहीं देखना है तो वो सबसे बड़ा भाईचारा आप इन लोगों के बीच में पाएंगे। तो जैसे चार पांच के ग्रुप हैं, कोई एक व्यक्ति कमा के लाएगा और ये चारों व्यक्ति खाते हैं। शहर की अपेक्षा गांवों में रोजगार पूरी तरह से खत्म कर दिए गए हैं, तो गांव के लोग बिल्कुल मजबूर हैं, उन्हें मतलब कोई रास्ता नहीं दिखता सिवाय पलायन के। मेरा नाम सत्यवीर है और मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। वैसे जन्मजात मैं किसान हूँ। आने का उद्देश्य ये था कि शहर में मैं लोगों को खोज लूँगा जो मेरे गांव के हैं, परिवार के हैं, लेकिन दिल्ली की चकाचौंध में सब खो गया, तो इस वजह से मैं बेघर रहा। सहादरा के लेबर चौक पर काम करता था, घर बनाने का काम, शादी पार्टियों का काम भी किया। पूरा देश जब एक सुलगने की ओर जा रहा है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, तो ये सुबह उठते हैं, सबसे पहले मंदिर जाते हैं क्योंकि हनुमान मंदिर पास पड़ता है। हनुमान मंदिर में वही बजरंग बली की जो उनकी आराम से पूड़ी कचौड़ी खाते हैं, उसके बाद वो मस्जिद जाते हैं जहाँ उन्हें नॉनवेज खाना होता है, तो वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और जब कहीं कुछ नहीं मिलता तो सिखों का गुरुद्वारा है शीशगंज में, लोग वहाँ जाते हैं, लोग खाते हैं, खा पी के लौट के आके इन्हीं रैन बसेरों में फिर सो जाते हैं। उनसे समझा जाए कि वो कैसा भारत चाहते हैं तो वो यही कहेंगे कि जहाँ अच्छी नींद और भरपेट खाना हो, मुझे ऐसा भारत चाहिए।